वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ प्रयास चौधरी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो शुरू करने का रीज़न, मेरे पीछे जो जगह आप लोग देख रहे हो एकदम खाली, वहाँ मेरी बाइक खड़ी हुआ करती थी। तो अब कहाँ गई मेरी बाइक, कोई आइडिया? आई डोंट थिंक आप लोगों को होगा। तो टैक्सी दिखाता हूँ आप लोगों को आगे वीडियो में, मेरी बाइक कहाँ गई और क्या हुआ उसके साथ। एक्चुअली तो बहुत याद आ रही है मेरी बाइक की। अब जगह खाली थी इतनी देर से, मैं क्या किया? नोटिस किया आप लोगों ने? अभी अभी जगह खाली थी, भर गई अचानक से। तो एक छोटे से ट्रांजिशन में इतना बड़ी बाइक यहाँ पे आके खड़ी हो गई, मेरी R15 की जगह पर। तो ये कहाँ से आई? इसकी कहानी शुरू हुई थी कुछ दिन पहले जब मैंने इसकी डिलीवरी ली। तो जहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई वहीं से हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप लोग देखिए, एंजॉय करिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना। बस इसी तरह से आ गई ये बाइक यहाँ घर पे। और अब अगर मैं बात करूँ मेरी R15 की, तो मेरी R15 कहाँ गई, उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। थोड़ी देर और, हो सकता है शाम तक उसके बारे में, मतलब 2-3 घंटे और, फिर उसके बाद हमको फाइनल न्यूज़ बता पाऊँ कि उसके साथ क्या हुआ, कहाँ गई वो। तो जुड़े रहिए वीडियो में। अभी क्या हो रहा, अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही गंदी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ। हमारे साथ मतलब जिसके पास में अभी मेरी बाइक R15 है उनके साथ। मैं गया हुआ था अपनी बाइक के पास में, लेकिन वहाँ पर जाके पता चला कि एक ट्रेजेडी हुई और अंधेरा भी काफ़ी हो रखा था, तो मैं वो चीज़ वहाँ शूट नहीं कर पाया और उसी वजह से मैं अपनी बाइक भी वहाँ पर नहीं दिखा पाया आप लोगों को। तो अभी क्या कर सकते हैं कि मैं अगर वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में अगर उसको रखता हूँ तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ लोग मे भी सही गैस भी कर पाए कि बाइक कहाँ गई, वापस आएगी भी या नहीं। तो ये चीज़ मैं कंटिन्यू करूँगा अपने आगे आने वाले ब्लॉग में। तो अगर आप लोगों को जानना है कि मेरी बाइक कहाँ गई, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो ये पसंद आई तो हिट द लाइक बटन। मिलता हूँ आपसे आगे आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।